हेलो दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका वेलकम है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बन रही है दोस्तों वीडियो के साथ, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से है, हीरा लाल शास्त्री थे पहले मुख्यमंत्री और राजस्थान राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जो राज्य का राज्यपाल होता है उसे ही अपना त्यागपत्र देता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री टीकाराम पालीवाल थे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स है, श्रीमती वसुंधरा राजे को प्राप्त हुआ है पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो अनुच्छेद 164 है उसके अंतर्गत होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वह व्यक्ति जो मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों रूप से मुख्यमंत्री बने थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जय नारायण व्यास थे, जो कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरह से मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जगन्नाथ पहाड़िया थे पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनलाल सुखाड़िया के नाम है सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीकाराम पालीवाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत ने ली थी सर्वाधिक बार शपथ राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जो अनुच्छेद 167 है उसमें वर्णित है मुख्यमंत्री के कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य की वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, मुख्यमंत्री होता है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 167 में है राज्यपाल को जानकारी देने का संबंध मुख्यमंत्री के कर्तव्यों में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, राज्य विधानमंडल करता है मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण। नेक्स्ट है, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी क्या का कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री करता है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद की कड़ी का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु होनी आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो संविधान का जो अनुच्छेद है 164(1) उसके अंदर वर्णित है, जिसके द्वारा जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता व संचालन कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा होती है मंत्रिपरिषद की बैठक और उसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है? तो अनुच्छेद 167 में निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली बार मुख्यमंत्री रही? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, 2003 से लेकर 2008 तक मुख्यमंत्री रही थी वसुंधरा राजे राजस्थान राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस
मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से है, जो श्री हीरालाल देवपुरा था जो कि मुख्यमंत्री थे और इनका कार्यकाल सबसे कम रहा था राजस्थान में। तो आशा करता हूँ दोस्तों और राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित ये 22 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू दोस्तों।